रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड की विस्तृत झलकियां। अयोध्या कांड की शुरुआत से ही राजमहल में उमंग और उल्लास का माहौल था। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, जिससे प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। सभी नगरवासी इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कैकेयी ने अपने वरदानों की याद दिलाई और राम के वनवास का आग्रह किया। राजा दशरथ के लिए यह एक कठिन निर्णय था, पर उन्होंने अपने वचन का पालन किया। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। तीनों ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। वनगमन की यात्रा कठिन थी, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण ने धैर्य और साहस से इसे पूरा किया। वे सभी अयोध्या से दूर वन में निवास करने लगे। दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे और अयोध्या की प्रजा विलाप कर रही थी। दशरथ का निधन अत्यंत दुखद घटना थी। भरत जब चित्रकूट में राम से मिलने पहुंचे, तो उनका हृदय राम के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा था। उन्होंने राम से अयोध्या लौटने की विनती की, परंतु राम ने धर्म पालन पर जोर दिया। भरत ने राम की चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किया और वचन दिया कि वे राम के लौटने तक अयोध्या का शासन संभालेंगे। उन्होंने पूरी निष्ठा से राम की अनुपस्थिति में राज्य चलाया। चित्रकूट में वनवासियों ने राम, सीता और लक्ष्मण का गर्मजोशी से स्वागत किया। वे राम के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वनवासियों का प्रेम और भक्ति अद्वितीय थी। अत्रि मुनि के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत हुआ। अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुया ने राम को आशीर्वाद दिया। राम ने उनसे धर्म और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। राम और लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें शबरी मिली। शबरी ने अपनी भक्ति से राम को प्रसन्न किया और राम ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास करने लगे। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से भरा था, जहां वे सुखपूर्वक रहने लगे और साधना करने लगे। एक दिन सूर्पणखा वहां आई और राम पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे वह क्रोधित और अपमानित हो गई। सूर्पणखा ने लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट दिए। वह दर्द से चिल्लाती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने अपनी सेना लेकर राम पर आक्रमण किया। राम ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से खर और दूषण का वध कर दिया, जिससे उनका आतंक समाप्त हो गया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और सीता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने राम से इस अद्भुत मृग को पकड़ने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की देखभाल करने का निर्देश दिया। राम मृग का पीछा करते हुए दूर चले गए। मृग ने राम को बहुत दूर तक दौड़ाया। अंततः राम ने मृग को मार गिराया, लेकिन मृग ने मरते हुए हे लक्ष्मण की आवाज लगाई। राम की आवाज सुनकर सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता करने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची और सीता से रेखा न पार करने को कहा। रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने रेखा पार कर दी और रावण ने उसे अपहरण कर लिया। जटायु ने रावण से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटके।
पंपा सरोवर पर उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जिसने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। हनुमान ने राम की सहायता करने का वचन दिया